आगे बढ़ते हैं, अगली खबर से रूबरू करा देते हैं। रायपुर से खबर आपको बता देते हैं जहां आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू की जाएगी। तो 20 क्विंटल प्रति एकड़ होगी धान खरीदी, 125 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीदी का निर्धारित समर्थन मूल्य 2183 रुपए है और ग्रेड ए के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। तो धान खरीदी का लेकर यहाँ पर धान खरीदी की जाएगी और हमारे साथ हेमंत बने हुए हैं। हेमंत, धान खरीदी यहाँ पर की जाएगी और हम देखें समर्थन मूल्य में यहाँ धान खरीदी की जाएगी, अगर पिछले बार की अपेक्षा हम लक्ष्य की बात करें तो इस बार कितना लक्ष्य रखा गया? देखिए, पिछली बार भी 1 नवंबर को धान खरीदी की शुरुआत हुई थी प्रदेश में और लगभग 110 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान की खरीदी हुई थी। सरकार ने 120 या 125 मीट्रिक टन धान का लक्ष्य जरूर रखा था, लेकिन उसके आसपास सरकार पहुंच गई थी। इस वर्ष आज से यानी 1 नवंबर से राज्य के स्थापना दिवस भी है, आज से ही जो धान खरीदी है वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शुरू हो रही है। पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों ने दिए थे। अलग अलग जो धान उपार्जन केंद्र है वहाँ पर भी व्यवस्था कर ली गई है और चूंकि आचार संहिता लगी हुई है इसलिए कोई भी मंत्री और विधायक खुद वहाँ पर जाकर इसका शुभारंभ नहीं करेंगे। जो अधिकारी हैं, जो गांव के लोग हैं, सरपंच हैं, वो इस धान खरीदी की शुरुआत अपने अपने इलाके में करेंगे। और जो सरकार ने ऐलान किया इस बार, कांग्रेस ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ उसके हिसाब से ही धान की होगी और 125 लाख टन इस बार भी धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और कोशिश की जा रही है क्योंकि फसल अच्छी हुई है प्रियंका छत्तीसगढ़ में, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि 125 लाख टन के आसपास धान की खरीदी प्रदेश में हो जाए। निर्धारित लक्ष्य जो रखा गया है उसके आसपास खरीदी हो सकती है और जो धान खरीदी का निर्धारित समर्थन मूल्य है वो 2183 रुपए है और ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ पर निर्धारित किया गया है। लेकिन जिस तरीके से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो पैसा अलग से किसानों को दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो उनको अलग से दिया जाएगा। ये समर्थन मूल्य के बाद वो जो बोनस की अतिरिक्त राशि है उनको सीधे खाते में पहुंच जाएगी। बिल्कुल हेमंत, जिस तरीके से हमने देखा है कि बारदाने की कहीं ना कहीं इसमें कमी आती रही है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां? देखिए, 2021 में काफ़ी समस्या हुई थी छत्तीसगढ़ में बारदाने को लेकर और इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच काफ़ी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी देखने को मिला था। लेकिन पिछले साल सरकार ने व्यवस्थाएं की, कई जगहों पर बारदाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। पिछले साल किसी भी तरीके की व्यवस्था जैसी स्थिति नज़र नहीं आई थी, बारदाने की कमी नज़र नहीं आई थी और इस बार भी तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है खाद्य विभाग के कि बारदाने की समस्या किसानों को नहीं होनी चाहिए, वो पर्याप्त और अच्छी व्यवस्था के साथ धान खरीदी पर पहुंचे और वो वहां पर अपना धान वहां पर बेचे। अब बिल्कुल हेमंत, बने रहिए, एक और खबर पर मैं आपसे अपडेट लूंगी। तो ये आपको बता रहे थे जहां पर धान खरीदी की जा रही है और एक और खबर